नॉलेज में दो, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम तो साथ देंगे। अब ऐसा थोड़ी आप आकर के आतंक काटोगे, पुलिस को साथ ले आओगे, सिविल डिफेंस साथ ले आओगे तो माहौल ख़राब करोगे। हर दिन कभी गोश्त की दुकान सील करने आ जाते हैं, आज ये लोगों की दुकानें सील करने आ जाते हैं, तो अगर चाइल्ड लेबर भी है तो दुकानें क्यों सील की इसमें? बड़ी तादाद में यहाँ सिविल डिफेंस के लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सिविल डिफेंस वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है, कहीं कहीं जो बच्चा मजदूरी करते रहते हैं, उसी किसी ने शिकायत की होगी, मुमकिन है जो चाइल्ड लेबर है कहीं बच्चा मजदूर, उनको रिलीज़ कराने के लिए ये शायद रेड डाली गई थी। और ये मामला जो है वो खलुल्ला मस्जिद के पास, बटला हाउस में खलुल्ला मस्जिद के पास का है। यहाँ पे बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के लोग भी हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी है, लोग भी है। यहाँ पे बोर्ड देख लिया आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये देखिए ये फेम, इसी वाली गली में बहुत संख्या में पुलिस आई थी, सिविल डिफेंस के लोग आए थे। और कहा जा रहा है कि जो बच्चा मजदूर काम कर रहे थे दुकानों में या कहीं कहीं, उनको रिलीज़ कराने के लिए लोग यहाँ पे आए थे, पुलिस भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे थी। देखिए यहाँ अहमदुल्ला खान भी है, सोशल वर्कर वहाते हुए, ये लोग नाराज़ हैं, पुलिस कैसे आ गई, किनको गिरफ्तार करने के लिए आ गई, क्या मामला है? बच्चे जो बच्चे कहीं कहीं काम करते रहते हैं ना, उसके लिए कहा जा रहा है उसको रेस्क्यू करने आए थे, लेकिन हालात एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं है। हमारे भाई क्या मालूम चला है आपको अब तक? देखिए मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं, SDM आ गया यहाँ, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, वो भाग गया, चला गया यहाँ से। कोई बच्चा कहीं खड़ा था, वो दुकान पर आया हुआ था, एक कह रहा कि मेरे घर से आया हुआ था, कोई पढ़ता है, तो ऐसी ज़बरदस्ती बिला वजह माहौल ख़राब को करने की कोशिश की जा रही है। चाइल्ड लेबर का इल्ज़ाम लगा के, चाइल्ड लेबर है, ये कहना चाह रहे वो लोग? भैया कहाँ का चाइल्ड लेबर, नॉलेज में दो, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम तो साथ देंगे। अब ऐसा थोड़ी आप आकर के आतंक काटोगे, पुलिस को साथ ले आओगे, सिविल डिफेंस साथ ले आओगे तो माहौल ख़राब करोगे। हर दिन कभी गोश्त की दुकान सील करने आ जाते हैं, आज ये लोगों की दुकानें सील करने आ जाते हैं, तो अगर चाइल्ड लेबर भी है तो दुकानें क्यों सील की इसमें? उसे किसने हक दिया? इनकी शिकायत है कि वो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, तो अपने साथियों के साथ वो स्पॉट पे वहाँ पे जा रहे हैं, सारे लोगों को लेकर जहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करने की बात की गई है, और दुकानों को सील किया गया है, कुछ दुकानों को सील करने की बात हो रही है। अहमदुल्ला खान का ये कहना है कि मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ से वो चले गए, यहाँ पे है नहीं, सिविल डिफेंस की टीम के साथ थे, लोकल पुलिस भी उनके साथ थी। अफरा तफरी का माहौल है, बटला हाउस चौक है ये, मैं आपको बता दूं यहाँ फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और किसी को एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि हुआ क्या है, कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हुआ, किस बात का हंगामा है। लेकिन जी जी दुआएं, सिंपल सी बात ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कहा जा रहा है कि चाइल्ड लेबर कहीं है, वैसे ये तो हकीकत है कि छोटे मोटे बच्चे कहीं ना कहीं दुकानों वकानों में काम करते रहते हैं। लेकिन जैसा आपने सुना, मानस साहब को भी सुना, जो अखला के MLA हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसा है तो हमें पता होना चाहिए और हमें शिकायत मिलनी चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें। हमारा भाई जो पूरा वाकया हुआ, अचानक अफरा तफरी फैल गई ओखला में, हुआ क्या था एग्जैक्ट? मुझे मालूम हुआ था कोई NGO जो है वो चाइल्ड लेबर बचपन बचाओ आंदोलन या कोई और सी NGO SDM के साथ आई थी, कंप्लेन होगी। मेरे जैसी मुझे नॉलेज में आया, मैं पहुँचा तो वो लोग चले गए। तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वो आपको बताएं या लोकल थाने को बताएं ताकि अचानक ऐसा माहौल ना बजे, लोग डरे नहीं, अफरा तफरी ना मच जाए? लोकल थाने को तो बताया था, इन्होंने फोर्स भी दी थी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। जैसे मेरे इल्म में आया तो मैं फ़ौरन वहाँ मौके पर पहुँचा तो वो चले गए। आइडेंटिफिकेशन का जो मसला है कि कस्टमर कौन है और चाइल्ड लेबर कौन है, ये उन्होंने नहीं किया, लोगों का आरोप है। जिसको भी पकड़ा उन्होंने उठा के गाड़ियों में भर के ले गए। मैंने कई शिकायत ये है कि वो लोग अपने बच्चा जो है वो सामान खरीदने आया हुआ था या वो खड़ा हुआ था तो उसको भी ले गए, ये बात सुन के जैसी मुझे मालूम हुआ तो मैं आया, तो उस वक्त अभी तब मैं आया तो मेरे सामने ही वो निकल रहे थे। तो आप इलाके के MLA हैं, फर्दर क्या प्लानिंग है, आप क्या करेंगे इस सिलसिले में? देखिए मुस्तकिल ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है, और हम यही चाहेंगे कि इस तरह के वाकयात नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में लो, बात करो, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, उनके अपोज नहीं आएंगे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में लेना भी ज़रूरी है। अगर SDM आया तो बताना चाहिए था उसको, कानून से बाहर किसी को इजाज़त नहीं है काम करने की, चाहे वो SDM हो, चाहे उसके साथ में कोई NGO हो, चाहे कोई भी हो, सब कानून से बंधे हुए हैं। और हर किसी की हमारी यही कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए, कहीं भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये सब चीज़ों का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है।